लौट के सचिन घर को आए। निकम्मा होने के गहलोत के आरोपों पर बोले पायलट, मुख्यमंत्री मुझसे बड़े और सम्मान्य हैं, लेकिन मुझे भी काम के मुद्दे उठाने का हक है। जी हाँ, आज न्यूज़ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस वीडियो में आपको राजनीति से जुड़ी सभी खबरें पहले से ही मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पायलट बोले, राजनीति में निजी दुश्मनी की जगह नहीं होती, आलाकमान ने आपत्तियां दूर करने का भरोसा दिया है। गहलोत ने पायलट के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन केंद्र पर निशाना साधा, बोले सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार का संकट टलने के बाद अब बयानबाजी का दौर चल रहा है। सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि अशोक गहलोत मुझसे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे भी अपने काम उठाने का हक है। पायलट ने यह बात उस बयान के रेफरेंस में कही जिसमें गहलोत ने पायलट को निकम्मा और नाकारा बताया था। बात विरोध की नहीं है बल्कि मूल्यों की है, ऐसा पायलट ने कहा है। पायलट ने कहा है कि मैंने अपने परिवार से कुछ मूल्य सीखे हैं, मुद्दा यह नहीं कि मैं किसी आदमी का कितना विरोध करता हूं, लेकिन इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करता। राजनीति में निजी दुश्मनी की कोई जगह नहीं होती है। राहुल और प्रियंका ने हमारी आपत्तियाँ दूर करने के लिए रोड मैप तैयार करने का भरोसा दिया है। हमने जो मुद्दे रखे थे उनके समाधान के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। मैंने किसी पद की मांग नहीं की, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान और कामकाज से जुड़े मुद्दे उठाए। पायलट की राहुल और प्रियंका के साथ सोमवार को 2 घंटे मीटिंग हुई थी। पायलट की 5 बड़ी बातें क्या थी, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर ले, हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले तो दोस्तों, पद की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात उठाई। पायलट ने कहा है कि मैंने किसी भी पद की मांग नहीं की, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान और कामकाज से जुड़े मुद्दे उठाए। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारियां दी है उन्हें निभाने के लिए मैं तैयार हूं। दूसरा मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के नाते जनता के मुद्दे उठाने का मेरा जिम्मा बनता था। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी कि सरकार बनने के बाद कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाए। बीते 1.5 साल में काम की रफ्तार धीमी हो गई थी। हमेशा लग रहा था कि जनता के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। क्या आपको लगता है सचिन पायलट ने जो बातें कही हुई सही है? क्या आप सचिन पायलट की बातों से सहमत हैं? हमें अपना जवाब जरूर दें। तीसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही कि राजद्रोह का नोटिस मिलने से मुझे दुख हुआ। जिस तरह राजद्रोह की धारा में नोटिस दिया गया, 25 दिन बाद वापस लिया गया, उससे मुझे दुख हुआ। हम कोर्ट गए, कई मुकदमे हुए, इसे रोका जा सकता था। बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात हमें तो सचिन पायलट की यह बात सही लग रही है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चौथी बात यह थी कि पार्टी विचारधारा के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। हमने पार्टी की विचारधारा, सरकार और पार्टी लीडर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हमने सिर्फ कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और इससे मुझे पूरा हक है। इस बात से भी आप सहमत हैं तो अपनी सहमति जरूर बताएं। पांचवी सबसे बड़ी बात है, सत्य और सिद्धांतों की राजनीति करता हूं, ऐसा पायलट ने कहा है। उन्होंने कहा, पद तो आते जाते रहती है, मुझे इसका कोई लालच नहीं है, मेरी राजनीति सत्य और सिद्धांतों पर आधारित है। 5 बड़ी बातें पायलट ने मीडिया से रूबरू होकर कही, उन्होंने बताई और हमने आप तक पहुंचाई। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।